नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। दोस्तों, आज हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पनीर की मसालेदार सब्ज़ी बनाना सीखेंगे। यकीन मानिए, ये पनीर की मसालेदार सब्ज़ी इतनी बढ़िया और टेस्टी बनती है कि आप रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल सब जगह जाना भूल जाएंगे और इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना किसी देरी के सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्लेट में 250 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इस पनीर में मैं 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी और इसमें अब 1/4 छोटी चम्मच ही हल्दी पाउडर डाल देंगे हम। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ढाबे वाले भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। पहले पनीर को अच्छे से मैरिनेट करना है हमें, सारे मसाले अच्छे से लगा लेने हैं इसे। इससे पनीर फीका फीका नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। अब हम सब्ज़ी के लिए मसाला पीस के तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ले लिया है, इसमें हम 2 बड़े प्याज मैंने मोटे मोटे काट लिए थे, इन्हें मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 से 4 टुकड़े अदरक के डाल देंगे और इसमें अब हम लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे मैं 10 से 12 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ और इसमें अब थोड़ा सा पानी डालना है हमें इसको पीसने के लिए। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल में 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया था, इन्हें हम पीस के इनका पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, मैंने टमाटरों को अच्छे से पीस लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और बाद में सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इस कढ़ाई में हम 1/2 कप सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तेल को मैं अच्छे से गर्म करूँगी, इतना गर्म करना है कि इसमें धुआं निकलने लगे। तेल बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा था वो पनीर इसमें डाल देंगे और पनीर को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पर इसे हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है, जो हमारा पनीर है वो एकदम सॉफ्ट बना रहता है। नमक हमारे पनीर को सॉफ्ट बना के रखता है और पनीर का कच्चापन भी चला जाता है, इसलिए हम इसे फ्राई करते हैं। ढाबे वाले भी सेम इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए, हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम बाहर निकालेंगे। आपको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे, वरना पनीर सख्त हो जाएगा और रबड़ जैसा हो जाएगा। 1 मिनट फ्राई करके इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा पनीर बाहर निकाल लिया है, इसे अब साइड में रख देते हैं। अब इसी तेल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें मैं 1 तेज़पत्ता डाल दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी जावित्री डाल दूंगी, ये आपको साबुत ही डालनी है, इनको थोड़ा सा मसल के आप डाल दीजिए इसमें। इन खड़े मसालों से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा जायफल पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 छोटी चम्मच जायफल पाउडर डाल रही हूँ, इसे मैंने बारीक कूट लिया था। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच ही हम दालचीनी पाउडर डाल देंगे। दोस्तों, इनमें से एक भी मसाला आप स्किप मत कीजिएगा, इनसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज का, मिर्च का और अदरक का, वो इसमें हम डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, इन्हें इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। इससे हमारी जो सब्ज़ी है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो आपने पनीर मसाला खाया है होटल में या रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वैसा ही हमारी सब्ज़ी बनेगी, एकदम मसालेदार। इसे लगातार इसी तरह चलाते रहें। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले में हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 छोटी चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे और अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब इसे हम ढक करके लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे हम। 2 मिनट हो गई है, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हमने जो टमाटर पीस के रखा था वो टमाटर मिलाएंगे इसमें हम। ये देखिए टमाटर के पेस्ट को हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करना है और इसे हम लगभग 1-2 मिनट के लिए ढक कर के पकाएंगे। अब इसे मैं ढक दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। 2 मिनट हो गई है, अब हम क्या करेंगे इसमें बाकी मसाले मिलाएंगे। यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और 2 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिलाते हुए इसमें पकाएंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हम फिर से ढक कर के लगभग 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गई है, देखिए जो मसाले हैं ये अच्छे से पक चुके हैं और इसने तेल भी छोड़ दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसमें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ा बाउल इसमें पानी डाल रही हूँ, ये लगभग 250 ml पानी है। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी पसंद है तो आप इतना ही पानी डालिए और अगर आपको थोड़ा पतला पसंद है ग्रेवी तो आप इसमें पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अभी ये और गाढ़ी होगी, इसे हम बॉईल करेंगे। अब इसे हम ढक करके जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे पकाएंगे। देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो पनीर डाल देंगे इसमें हम और पनीर को भी इस ग्रेवी में अच्छे से पकाएंगे। अब इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक कर के लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी सब्ज़ी। अब इसमें हम 2 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सब्ज़ी में। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये सब्ज़ी। अब इसे हम ढक कर के लगभग 1 मिनट तक और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बनी है और कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है सब्ज़ी का। बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनकर हमारी एकदम रेडी है। एकदम मसालेदार सब्ज़ी बनी है और आप मसाले का टेक्सचर भी देख सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों सब्ज़ी हमारी बनकर एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही मसालेदार बनी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनी है। इसे हम गर्मा गर्म एक बाउल में सर्व करेंगे। दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।